नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं बात करूंगा उन तमाम बीसी विभाग के लोगों के बारे में, यानी ग्राम प्रहरियों के बारे में। आज हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा वीडियो, एक पीड़ा और एक दर्द लेकर के डीएम साहब तक पहुंचते हैं चौकीदार, लेकिन फिर भी अधिकारी मौन रहते हैं। इस पर कोई भी मामला संज्ञान में लेकर के इनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे इनका भला हो सके। ये वीडियो हमारे पास इटावा जिले का आया है। इस वीडियो में आप अगर देख पाएंगे, मैं साइड आपको चला के दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इस वीडियो में इनका दर्द छलकते हुए नजर आ रहा है कि अपनी भीड़ को इकट्ठा करके ऐसे कई जिलों में ग्राम प्रहरी गए हैं और ज्ञापन दिया जाके डीएम साहब को। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि डीएम साहब क्या करते हैं ऐसे कई जिले में कि उस कागज को लेकर के सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो पाती, इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। और मैं अगर दूसरी बात करूं तो दूसरी बात यहां पर प्रतीक ये है कि जो आला अधिकारी हैं ये इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो सच में आपके साथ हमेशा ज्यादा की जाती है। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि कुछ चौकीदार हमारे 3 अप्रैल को लखनऊ पधार रहे हैं। जो भी भाई हमारे पास आ रहे हैं, ये एक आपके ट्रेनिंग पर्पस से आपको बुलाया जा रहा है मेरी तरफ से। अगर आप आने लायक हैं तो, अगर आने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो सच्चा में जो आ सकते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति कैसे बनानी है ये हम विचार रख रहे हैं। हमने हर जिले से कुछ कुछ लोगों को इन्वाइट किया है, बुलाया है, तो जो लोग जहाँ से आएँ वो सुरक्षित आएँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत भी ना हो, आराम से 3 तारीख को आप आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई काम है या कुछ भी है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, या नहीं भी करते हो तो कोई नहीं, आप अपने काम पे फोकस ज़्यादा करो। अगर आपको लगता है कि आप आ सकते हो तो, क्योंकि तो हर जगह हर जिले में तो पहुँचना अभी इतना मुश्किल है, मैं चाहता हूँ कि लोग को एक बार बुला करके एक उनका सिस्टम बना दिया जाए, जिस सिस्टम के तहत आप लोग अगर काम करेंगे तो आपका इससे बेनिफिट होगा, फायदा होगा। प्यारे मित्रों, ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। दूसरी मैं जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग हमेशा मेहनत करते हो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट 0 है। हमारे पास कॉल आता है कि लोग रोते हैं, आँख में आंसू लेकर के आते हैं। अभी हाल में ही बिहार के मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहारियों के लिए बहुत कुछ किया, उनकी आवाज बने, अच्छा कार्य किया, लेकिन तमिलनाडु के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और फेक न्यूज बताया जाता कि फेक न्यूज बता दी। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर आपके लिए लड़ रहा है, आपकी आवाज बन रहा है, तो भैया अधिकारियों को इससे क्या दिक्कत है? उसकी आवाज को दबाने का प्रयास नीतीश की सरकार वहां कर रही है। कुछ लोग तो मनीष कश्यप को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो एक पत्रकार का कोई पार्टी से मतलब नहीं होता है, वो एक सच की बात करता, जो सही करता उसके बारे में सही दिखाता। भाई, हमने भी अगर बीजेपी गलत कर रही तो मैं गलत कहता हूं, अच्छा कर रही तो मैं अच्छा कहता हूं, इसमें क्या दो राय तो है नहीं। हमारा मतलब क्या है कि सच की चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। प्यारे मित्रों, आपको बता दूं कि जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ हो रहा, हो सकता है कि आपके भाई के साथ भी कभी ऐसा हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं और मेहनत करता हूं, मेहनत पर भरोसा करता हूं। आप लोगों का साथ है तो सब कुछ संभव है। ये जब मैंने चीजें सुनी तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो मैंने प्रावधान बनाया कि 3 अप्रैल को, मैंने कहा कुछ लोग अभी अगर आ जाते हैं तो उनको कुछ नियम सिस्टम बना दिए जाएंगे, जिस नियम के तहत हमारी भी सुरक्षा रहेगी और आप लोगों की भी, तो इससे हम आपके लिए लगातार कार्य भी करते रहे। मित्रों, आप लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, रिजल्ट 0 आता है, इसका कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। ये आप हमेशा रात में सोते समय सोचा करिए कि आखिर कारण क्या है। अगर आपको लगता है कि ये लाइन गलत है तो उसे आपको त्याग करना चाहिए, आपको एक अच्छी लाइन पर काम करना चाहिए जिससे आपका उद्धार हो सके। आप हमेशा ये सोचिए
कि हमें आगे कैसे उन्नति करनी है, कैसे हमें अपने मुहिम को आगे बढ़ाना है। आप अपने आप में खुद सोचिए, अगर नेतागिरी करनी है, नेताओं के तलवे चाटने तो चाटते रह जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा इतने दिनों से आप कितनी तलवे चाटी गिरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। तो आप इन विचारों को अपने दिमाग में घुमाइए कि आप सही रास्ते चल रहे हैं या गलत रास्ते चल रहे हैं। जो लोग मुझे गाली देते हैं वो शौक से गाली दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि अगर 10 परिवार भी हमारे मेहनत से उनका अगर उद्धार हो जाता है तो सदैव आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो गाली की जगह मेरे लिए आशीर्वाद। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, वीडियो का पर्पज यही है, मैं आपके बीच में ये करने नहीं आया हूं कि मैं आपकी रातों रात वेतन वृद्धि करवा दूंगा। मैं आपके बीच में जागरूकता लाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप जागोगे तो अधिकार अपने आप आपको मिल जाएंगे। योगी जी लगातार कई लोगों के लिए अच्छा करते जा रहे हैं, बीसी विभाग के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा? तो अगर नहीं सोचा है तो ये उसका ही परिणाम है। जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन समाधान भी होने लगेगा। यूपी में योगी सरकार ने सिस्टम बना दिया है कि जो यूपी में खिलाड़ी है उनको सरकारी चीजों से भी लाभ मिलेगा। सबके लिए तो अच्छा हो रहा है, अब आपके लिए नहीं हो रहा, क्या करोगे बताइए? घर पे बैठ करके चौकीदार एकता जिंदाबाद करके क्या करोगे? जब तक आप लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा नहीं आएगा तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। आप लोग जब मेहनत करोगे तो हम आपकी आवाज को लेकर लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप लोग अपने जिले जिले की जिम्मेदारियां ले लो, लोगों को एकजुट करो, एक महाविशाल धरना वॉइस ऑफ किंग करेगा, यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। डेट नहीं बताऊंगा, जब मुझे लगेगा कि लोग हमारे आह्वान पर 10,000 से प्लस संख्या में आ सकते हैं तभी यह महाधरना होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि हम आपके धरने को करा करके टाइम पास नहीं कराना चाहते, ना हमारे पास टाइम है और ना ही आपके पास वक्त है, हर बार पैसा खर्चा करते हो, तो ये सब नहीं कराना। एक बार विशाल महाधरना होगा, आपके नेता जो कहते हैं उनको कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉइस ऑफ किंग के बैनर तले ये धरना होगा, रिजल्ट आपको 50% मिलेगा, इसीलिए तो तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके अपना जरूर बताइएगा, अपनी भी हमें राय दीजिए। शायद हो सकता है कि हमारी राय अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर बुरी है तो भी बोल सकते हो, अच्छी है तो भी बोल सकते हो, और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके, इस चैनल को मजबूती मिले। जब ये चैनल मजबूत होगा तो आपकी आवाज सदैव उठती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अनु त्रिपाठी।